गाइस आई डोंट नो व्हाई कि मैं आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा या फिर वीडियोस में कुछ कमी है, क्योंकि भाई पहले के मुकाबले आजकल व्यूज और लाइक्स काफी कम आते हैं। पता नहीं आप लोग वीडियोस से बोर हो गए हो या फिर आप लोगों को डॉग सी परचेज नहीं करनी। यार मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो यार अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हो तो वीडियो पे एक लाइक तो कर ही सकते हो यार। या आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होता, आप लोगों को कोई चार्जेस नहीं लगते, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। वेल गाइस, हमारे मोस्ट ऑफ द डॉग स्पीड की इस सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही पावरफुल डॉग ब्रीड लेकर आया हूं जिसका नाम है रॉटवेलर। आई एम श्योर इस ब्रीड को आप में से मोस्ट लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि भाई इस ब्रीड के काफी सारे फायदे हैं, जैसे कि ये काफी अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं, काफी हट्टे कट्टे होते हैं, एंड आप लोगों को कलर ऑप्शंस नहीं मिलते। आई मीन जो भी होता ना आप लोगों के सामने होता है, ये एक ही कोट कलर में होते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होते कि कौन सा कलर परचेज करना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा लाइट हो सकता है। वैसे रॉटवेलर के साथ साथ आप लोगों को अमेरिकन बुली के पपीज भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी वो पपीज थोड़े से छोटे हैं, आई मीन अभी वो जस्ट 11 डेज के हुए हैं, तो आप लोग उन्हें फिलहाल सिर्फ बुक करके रख सकते हो। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को वो पपीज ही दिखा देता हूँ, रॉटवेलर के बारे में बाद में बात कर लेंगे। तो गाइस फिलहाल जो देख रहे हैं ये है वो पपीज। ये वीडियो तब की थी जब ये 5 डेज के हुए थे, लेकिन भाई अभी तो आप लोग क्वालिटी को जज नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं आप लोगों को इनके पेरेंट्स दिखा देता हूँ। तो गाइस ये जो आप लोग फिलहाल देख रहे हैं ये इन पपीज की मदर है। भाई क्वालिटी काफी अच्छी है और ये शायद लो पॉकेट साइज में है, और फादर जो है ना वो भी डिटो कलर में है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज के फादर है। यार इसका हेड साइज देखे और क्वालिटी देखे, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का डॉग है और ये माइक्रो साइज में है। तो इनकी और ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके हर एक चीज को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए वापिस से बात करते हैं हमारे रॉटवेलर के बारे में। तो दोस्तों अगर आप लोग कोई आउटर एरिया में रहते हैं जहाँ पर चोर वगैरह का खतरा हो या फिर वाइल्ड एनिमल्स का खतरा हो, वहाँ पर आप लोग रॉटवेलर को रख सकते हैं, क्योंकि भाई ये फेयरलेस डॉग ब्रीड है जो किसी से नहीं डरते और वाइल्ड एनिमल्स को आप लोग के घर के आसपास भी नहीं आने देंगे। वैसे रॉटवेलर काफी एक्साइटेड रहते हैं कुछ भी नई चीज सीखने के लिए, तो आप लोग ने इजीली ट्रेन कर सकते हो, ट्रेनिंग में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन गाइस आप लोग चाहे किसी भी डॉग ब्रीड को परचेज कर लो, भाई उन्हें सुबह शाम की वॉक पर जरूर लेकर जाएं, ताकि पपी जो है ना वो खुश भी रहे और आप लोग के अच्छे कैंपेनियन डॉग भी बन सके। तो गाइस नो डाउट पपीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, और एक बार मैं आप लोगों को इनके पेरेंट्स से ही मिलवा लेता हूँ। लेकिन गाइस फादर की फोटो वीडियोस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो ओनर आप लोगों को पर्सनली सेंड कर देंगे। लेकिन ये जो आप लोग देख रहे हैं चेन पपीज की मदर है। भाई मदर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफी डार्क कलर में भी है, एंड पपीज जो ना अभी तक मदर फीडिंग पे है, क्योंकि भाई पपीज होम ब्रीडिंग के है, तो आप लोग कभी भी डायरेक्ट जाकर मदर के पास से पपीज को उठा सकते हैं। तो गाइस ओनर के पास टोटल 5 पपीज अवेलेबल हैं, जिसमें से 4 मेल और 1 फीमेल है। तो जिन लोगों को फीमेल परचेज करनी है वो जल्दी से कॉन्टेक्ट कर ले, एंड पपीज जो ना आज एग्जैक्ट 31 डेज के हो चुके हैं, एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है पटियाला पंजाब से, एंड डिलीवरी जो है ना वो आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज पर मिल जाएगी। लेकिन भाई आप लोग डायरेक्ट अगर परचेज करोगे तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। एंड फाइनली अगर प्राइसिंग की बात करें तो भाई ओनर जो पपीज के प्राइस की डिमांड की है वो मेल की 15,000 पीस 15,000 रुपए, एंड फीमेल की 14,000 पीस यानी 14,000 रुपए। लेकिन गाइस प्राइस नेगोशिएबल है, एटलीस्ट आप लोग एक बार बार्गेनिंग करके जरूर देखें। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।